लंबी, लॉन्ग और छोटी, शॉर्ट चीजों के उदाहरण। बच्चों, पिछली वीडियो में आपने दो चीजों में से लंबी चीज और छोटी चीज को पहचानना सीखा। इस वीडियो में हम तीन चीजों में से सबसे लंबी और सबसे छोटी चीज की पहचान करेंगे। आज पिंकी और छोटू के स्कूल की छुट्टी है। वे दोनों घर के बाहर बैठकर अपने गाड़ी वाले खिलौने के साथ खेल रहे हैं। छोटू, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इन सब गाड़ियों में से सबसे लंबी गाड़ी कौन सी है? ये वाली गाड़ी सबसे लंबी है ना पिंकी? हाँ छोटू, इन तीनों गाड़ियों में से ये वाली गाड़ी सबसे लंबी है। और इनमें से सबसे छोटी गाड़ी कौन सी है? ये वाली गाड़ी सबसे छोटी है। हाँ छोटू, तुम बिल्कुल सही हो। इन तीनों गाड़ियों में से ये गाड़ी सबसे लंबी है और ये गाड़ी सबसे छोटी है। देखो, वहाँ पर पापा, मम्मी और तुम्हारी चप्पलें रखी हैं। क्या तुम बता सकते हो तीनों में से सबसे लंबी चप्पलें किसकी हैं? हाँ पिंकी, पापा की चप्पलें सबसे लंबी हैं। हाँ छोटू, और इन तीनों में सबसे छोटी चप्पलें किसकी हैं? मेरी चप्पलें सबसे छोटी हैं। हाँ छोटू, तुम बिल्कुल सही हो। इसका मतलब है तीनों में से पापा की चप्पलें सबसे लंबी हैं और तुम्हारी चप्पलें सबसे छोटी हैं। चलो अब खेलते हैं। तो बच्चों, अब आप भी छोटू की तरह तीन चीजों में से सबसे लंबी और सबसे छोटी चीज को पहचान सकते हो ना? चलो देखें। ये है तीन चॉकलेट। क्या आप बता सकते हो कि इनमें से सबसे लंबी चॉकलेट कौन सी है? जी हाँ, ये वाली चॉकलेट सबसे लंबी है। और इनमें से सबसे छोटी चॉकलेट कौन सी है? जी हाँ, ये वाली चॉकलेट सबसे छोटी है। इसका मतलब है कि इन तीनों चॉकलेट में से ये चॉकलेट सबसे लंबी है और ये चॉकलेट सबसे छोटी है। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने तीन चीजों में से सबसे लंबी चीज और सबसे छोटी चीज को पहचाना। अगली वीडियो में हम लंबी चीज और छोटी चीज को पहचानने में होने वाली कुछ सामान्य गलतियाँ देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों।